ओके okay? तो गुड इवनिंग टू ऑल आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं कुलदीप महिंदा तहिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजिंग के शानदार सेशन में एक बार जल्दी से मुझे बता दो क्या मेरी वॉइस वगैरह सब लोगों को ओके है कोई दिक्कत का पार्ट तो नहीं यहाँ पे चिड़की लाडो जी अभिषेक जी शिवांगी जी रोहित साहब आदित्य जी सब लोग हैं मेरे पास अनुषा धीरज जी सानिया जी आजू जी विष्णु गुप्ता साहब प्राची जी रितु जी जय साहब अनिकेश जी कपिल भागवत सौरभ जी अनु जी ऋचा जी सब लोगों को मेरे भाई वेलकम है चलो फिर सेशन की शुरुआत करते हैं बढ़िया से अपना पढ़ना शुरू करते हैं सही है तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ओके okay, ऑल ओके okay, ठीक है मेरे भाई चलो बहुत बढ़िया अगर रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और महिंद्राई किसी बोर्ड पर टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए आप इस कूपन कोड का यूज़ कर सकते हो ठीक है चलो ओके ओके ऑल क्लियर ऑल क्लियर ठीक है मेरे भाई चलो अब फटाफट से एक काम ये कर दो सेशन को शेयर कर दो जल्दी से अपने दोस्तों वोस्तों को बुला लो यार ठीक है जल्दी से इतना काम कर देना है चलो मेरे भाई और इस रविवार का अपना क्या करना इस रविवार मतलब इस संडे का टाइमर सेट कर लेना अपन लोग बढ़िया से मॉर्निंग में सुबह साढ़े छः बजे कई सारी चीज़ें और शॉर्टकट स्पेशली शॉर्टकट कवर करेंगे सही है ना जो आप लोगों को डी एस डेम्स के शॉर्टकट रह जाते हैं तो वो सब कवर हो जाएंगे संडे को संडे मतलब रविवार को अठारह अप्रैल ठीक है चलो टेक केयर मेरे भाई अपना अपना सब लोग बढ़िया से ध्यान रखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर शुरू करो इस वाले क्वेश्चन का जवाब देखते हैं क्या होगा तो इस वाले क्वेश्चन का जवाब बड़ा आसान था मेरे भाई ये देखो आप लोगों को एक बात बताए ना एक बात बताओ एक बॉक्स में कितने होते हैं सर एक बॉक्स में हमेशा आठ होते हैं चार का डबल तो एक तरह से ये बॉक्स ही तो है हाँ है ना देखो मैं पैंक का कलर चेंज करके दिखाता हूँ एक तरह से बॉक्स ही है नॉर्मली ये था मेरे भाई ये देखिए एक तरह से नॉर्मली बॉक्स ही है तो चार का डबल कितना हो जाएगा आठ और आठ के बाद ये हो जाएगा नौ और ये हो जाएगा दस तो टेन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है ना ज राइट आंसर सही है। चलो भाई। इस क्वेश्चन का जवाबी 82 को फोर सिक्स बोला गया है। 73 को क्या बोला जाएगा जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करने शुरू कर दीजिए गुड इवनिंग रश्मि जी गुड इवनिंग न्यूज साहब गुड इवनिंग प्रियंका जी आज देखते हैं रफ्तार किसकी अच्छी है और सोचता कौन जल्दी है ठीक है ना चलिए बताए एटी को बोला गया है फोर सिक्स फोर थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई ये देखो कुछ दिखा ये एट का स्क्वायर है और ये टू का स्क्वायर है दोनों के स्क्वायर करके आपस में क्रॉस कर दिया तो सेवनटी थ्री का क्या होगा सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन फोर नाइन इज द राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला देखते हैं मेरे भाई ठीक है ना इसका जवाब मेरे भाई पढ़ें आराम से और क्वेश्चन बताएं पढ़ें आराम से और क्वेश्चन बताएं इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा गुड इवनिंग राहुल साहब अंकित भाई भी अपने साथ हैं धीरा जी भी अपने साथ हैं पब्लिक टॉक्स आ हैं अंजू जी हैं आजी जी हैं कपिल भागवत जी हैं सब लोगों का जवाब आ रहा है मेरे भाई बहुत बढ़िया इसका जवाब क्या होगा राम के परिवार में उसकी पत्नी है उसके दो मैरिड ब्रदर हैं जिसमें से एक के दो बच्चे हैं और दूसरे का कोई भी नहीं है तो परिवार में लोग कितने हैं साफ साफ दिख रहा है एक राम होगा एक उसकी वाइफ होगी ठीक है ना अब इसके दो भाई हैं इसके दो भाई हैं और दोनों शादीशुदा हैं अगर मेरे भाई इसके दो भाई हैं और दोनों शादीशुदा हैं तो यानी कि उनके पास भी बीवियाँ होंगी और एक भाई के पास कितने बच्चे हैं और एक भाई के पास दो बच्चे हैं तो यानी कि टोटल छः सात आठ आठ लोग सीधे सीधे दिख रहे हैं आठ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है ना नौ कहाँ से होगा मेरे भाई नौ नहीं होगा आठ होगा नौ नहीं होगा अंकित भाई आठ होगा सही है चलिए अगला बताएं इसका क्या जवाब देगा इसमें कितने ट्राइंगल हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल बताओ कितने हैं मेरे भाई यहाँ पे स्वाति जी टॉक साहब विष्णु गुप्ता साहब नौ नहीं होगा गड़बड़ हो गया आठ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सब लोगों का ठीक है ना बहुत बढ़िया इसका बताएं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं बीस सोलह अठारह चौदह अठारह भाई का आंसर आने लगा चौदह भी जवाब आ रहा है अठारह चौदह में जवाब जा रही है चलो देखते हैं सबसे पहले काउंट कर लो तो एक और दो बन जाएंगे तीन इधर की तरफ काउंट कर लो तो एक और दो बन जाएंगे तीन तीन और तीन कितना हो गया छः ये सूखा सूखा देखो सात आठ नौ दस अब ये तो ट्राइंगल है नहीं ये तो बॉक्स है ये ग्यारह और ये बारह बारह दिख गए होंगे बारह के बाद एक ये बन जाएगा तेरह और एक ये बन जाएगा मेरे भाई चौदह तो मेरे भाई फोर्टीन दिख गए होंगे अब फोर्टीन के बाद भी हैं फोर्टीन के बाद भी हैं बस थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया एक ये बन जाएगा फिफ्टीन एक ये बन जाएगा सिक्सटीन एक ऊपर की तरफ बना तो एक नीचे की तरफ भी बनेगा ऐसे सेवनटीन एक इधर भी बनेगा ऐसे एटीन तो अट्ठारह बिल्कुल सही जवाब है अठारह इज द राइट आंसर अगला देखते हैं इसका जो है बताएं इस सीरीज का कंपटिशन क्या होगा कंप्लीट दिस सीरीज इस सीरीज को बताओ अगला नंबर क्या आएगा यहाँ पे दीपाली जी पार्ची जी पब्लिक टॉक साहब रिचा जी निंजा जी बिल्कुल आ रहा है चलो बिल्कुल बिल्कुल साइड वाले थे बिल्कुल अंकित साहब बिल्कुल आपने सही कहा जल्दी से इसका बताएं दो दस छब्बीस फिफ्टी और यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है एट्टी टू क्या लग रहा है छब्बीस को देख के कुछ मन में भावनाएं आ रही हैं हाँ सर छब्बीस को देख के मन में आता तो है और पचास को देख के भी मन में कुछ आता है क्या आता है मेरे भाई सर अगर मैं पाँच के स्क्वायर में एक जोड़ दूँ तो छब्बीस बन जाएगा और अगर सात के स्क्वायर में एक जोड़ दूं तो पचास बन जाएगा सेम नौ के स्क्वायर में एक जोड़ दूं तो एट वन बन जाएगा नंबरों को थोड़ा सा दिमाग में रखो थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तीन के स्क्वायर में एक जोड़ दूं तो मेरे भाई दस बन जाएगा एक का स्क्वायर एक होता है एक जोड़ के दो तो बन जाएगा तो अगली बार ऑड नंबर ले रहे हैं सारे ऑड हैं तो ग्यारह के स्क्वायर में एक जोड़ना है तो एक सौ बाईस बिल्कुल सही जवाब होगा ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस और एक एक सौ बाईस वन ट्वेंटी टू इज़ द राइट आंसर अगला बताएं पाँच आठ थर्टी नाइन बताएँ इसका भाई क्या बनेगा फाइव एट थर्टी नाइन क्या जवाब होगा देखो यहाँ पे राहुल साहब अपना पेपर का एक्सप्लेन भी दे रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ चलो बहुत बढ़िया बस अपनी सब लोग तैयारी करो बढ़िया से ठीक है ना फाइव एट थर्टी नाइन लॉजिक सोचो टाइमर खत्म थर्टी नाइन बनाना है थर्टी नाइन फाइव का एट से मल्टीप्लाई करो फोर्टी वन माइनस कर दो थर्टी नाइन बन गया कहीं और लग पाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई तो बड़ा हो जाएगा एट फोर ज़्यादा होता है एट्टी फोर्टी एट होता है मल्टीप्लाई नहीं बनना मल्टीप्लाई नहीं बनना मतलब मल्टीप्लाई का तो लॉजिक नहीं है कुछ और सोचते हैं एट का स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर अब ये वाला फंडा सोचते हैं सिक्सटी फोर माइनस ट्वेंटी फाइव क्या थर्टी नाइन बन जाएगा बन जाएगा बन गया थर्टी नाइन तो सेम देखते हैं तेरह का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन और इसका टू फिफ्टी सिक्स डिफ्रेंस करूंगा तो एट्टी एट के समथिंग में बैठ पाएगा सोलह में से नौ जाएंगे तो आठ तो बचेंगे नहीं ये गया सिक्सटी फोर में से अगर थर्टी सिक्स माइनस कर दूँ तो सर 44 का डिफरेंस नहीं बन सकता ये भी गया 121 144 का अंतर 74 तो हो नहीं सकता 20 के राउंड आएगा ये भी गया फिर यही वाला सही जवाब होगा 12 के स्क्वायर में से नौ का स्क्वायर 144 में से 81 वन माइनस कर दें तो कितना आएगा 63 यानी कि डी बिल्कुल सही जवाब है अगला बताएं मेरे भाई इसका क्या होगा बहुत बढ़िया बहुत शानदार लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है वेरी गुड बहुत बढ़िया कर रहे हो देखो अब अंकित भाई से पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये दिल की दिल का साइन क्यों लगाते हैं अब अंकित भाई इसका जवाब दें अपना ही लेकिन फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन का जवाब करते हैं मोमबत्ती जो है उसके अंदर जो होती है वो बाती होती है तो किसके अंदर क्या होता है हथौड़े के अंदर कील होती है नहीं लाइट के अंदर बल्ब होता है नहीं मेरे भाई लाइट बल्ब से जब बल्ब लाइट से जलता है ओवन के अंदर आग नहीं होती हाँ साइकिल में जरूर पहिया लगा होता है वो उसका पार्ट है एक तरह से इसका बताएं 832 थर्टी टू को फोर्टी बोला गया है नाइन सिक्स को क्या बोला गया है आज ऐसा क्वेश्चन एक बच्चे ने ग्रुप में पूछा था टेलीग्राम के आज ऐसा क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने ग्रुप में पूछा था टेलीग्राम के इसलिए इस क्वेश्चन को रखा है मेरे भाई फटाफट से उड़ा दो यार सीधे सीधे अब पूरा पूरा हिंट भी मिल गया 48 है साफ देखो सर क्या करें तो डिवाइडवाइड तो हो नहीं सकता तो नॉर्मल क्या लॉजिक है मल्टीप्लाई कर दो एट थी जी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर का डबल फोर्टी एट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो और किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई जीरो से होते ही जीरो हो जाएगा डबल जीरो इज द राइट आंसर डबल शून्य आएगा डबल अंडा मिलेंगे इस क्वेश्चन के इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं बताएं नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितने होंगे बताएं मेरे भाई यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बने रहें आप लोगों को बताएं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें कितने हैं हाउ आर देयर गिनो पहले सूखे सूखे वाले गिनो देखो एक तो ये रहा और एक यहां से यहां तक का हो जाएगा तो दो तीन ये रह। और अगर इसके आगे तक मैं बढ़ा दूं तो ये कितना हो जाएगा चार ठीक है ओके पांच रहा ठीक है अगर मैं इसको आगे तक ले जाऊं, तो ये कितना हो जाएगा छ ठीक है सात ये ठीक है और अगर ये थोड़ा आगे तक जाए तो ये कितना बन जाएगा आठ बन जाएगा और कोई है सर एक इन दोनों को मिला दीजिए मेरे भाई एक इन दोनों को मिला दीजिए तो एक ये भी बन जाएगा किन दोनों को ये पूरा बड़ा ठीक है ना तो सही जवाब क्या होगा नौ होंगे नौ बिल्कुल सही जवाब है दस दिख रहे हैं आधो को तो दस कहां से दिख रहे हैं मेरे भाई दस कहां से दिख रहे हैं देखो मैं एक बार दोबारा गिनवा दूं गिल्लो सब लोग एक है ये बड़ा वाला को गया दो ये तीन ये चार ठीक है ये पांच ठीक है अच्छा ये वाला तो अपन ने पहले ही ले लिया ये तो अपन पहले ही ले लिए ये तो हमने पहले ही ले लिया ना तो ये तो पहले ही हो गया छः में ये तो छः में पहले ही हो गया और एक ये वाला हो जाएगा आप सात का और एक ये पूरा बड़ा होगा आठ है आठ आठ है आठ दस नहीं है मेरे भाई आठ ही दिख रहे हैं और आठ से एक ज़्यादा भी नहीं है ये ट्राइंगल यहाँ पे लाइन पे नहीं है ना लाइन पर गाएँ कहाँ से दिख रहे हैं दस लाइन पर गाएँ और कोई एक्स्ट्रा बनेगा ही नहीं और कहाँ से बन जाएगा एक साथ एक आठ बस आठ ही है कौन सी साइड से बना लोगे मेरे भाई ये लाइन सीधी नहीं है ना ये लाइन सीधी नहीं है ये वाला तो ले लिया आप लोगों ने आठ है एट बिल्कुल सही जवाब होगा इसमें एट होगा मेरे भाई दस नहीं होगा एट होगा एट होगा जब लाइन है ही नहीं वहां तक कैसे ले लोगे इसका बताएं जयकाल हवल करता है रेन क्या करती है आवाज बताए पटर बटर इज द राइट आंसर पटर बटर right बिल्कुल सही जवाब होगा इसका बताएं इसका क्या बनेगा मेरे भाई वो लाइन लास्ट में मैंने ऐड नहीं करी है वो कहां से ऐड कर रहे हो आधे ट्राइंगल में एक बार देखना लाइन इतना लाइन ऐड नहीं है कॉर्नर पे कॉर्नर पे ऐड होती तो बड़ा वाला काउंट हो जाता चलो अभी इसका बताओ इसका क्या बनेगा मेरे भाई बताए अब यहाँ पे टू बनाना है अब ऑब्वियसली बात है नाइन सिक्सटी थ्री में से एट फोर्टी फोर माइनस करके तो टू बन नहीं सकता तो कुछ और सोचते हैं ऐड कर देते हैं नौ और सॉरी छीन नौ नौ और 9, 9 कितना हो गया अठारह यहाँ पे एडिशन कितना है आठ और चार बारह और चार बारह और चार सोलह डिफ्रेंस कितना हो गया टू हो गया सेम कंडीशन यहाँ पे लगाओ छः और चार दस और चार चौदह फोर्टीन यहां पे कितना हुआ नौ और तीन बारह तो डिफरेंस कितना हुआ अगेन टू हो गया दो बिल्कुल सही जवाब है ए इज द राइट आंसर पूरी क्लास का जवाब लगभग लग लगभग सही है अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये रहा इसमें कितने स्क्वायर हैं ये बताना है बताएं इसमें कितने स्क्वायर होंगे नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं बताएं गिनो स्क्वायर गिनने हैं पहले सूखे सूखे ले लो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस तो सूखे सूखे हो गए सही है दस तो सूखे सूखे हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस के बाद देखते हैं दस के बाद अब कहाँ कहां पे हैं एक ये बन जाएगा इन दोनों को मिला के ग्यारह एक ये बन जाएगा इन दोनों को मिला के बारह एक ये बन जाएगा इन दोनों को मिला के तेरह और एक मेरे भाई ये वाला बैठा है अंदर तो सही जवाब क्या होगा चौदह बन रहे हैं फोर्टीन इज द राइट आंसर बारह बारह नहीं बन रहे तेरह नहीं बन रहे चौदह बिल्कुल सही जवाब होगा चौदह बिल्कुल सही जवाब होगा एक बार देख लो ये लो मेरे भाई आराम से देखो बढ़िया से ये देखो एक ये रहा दिख गया एक दो डिब्बे मिला के ये एक ये तेरह और एक ये अंदर वाला तो फोर्टीन बिल्कुल सही जवाब होगा चलो अगला बताओ इसमें कितना होगा यहां पे कितने होंगे बताएं जल्दी से सोचो बढ़ती हुई सीरीज है वन टू बिल्कुल सही जवाब है आठ का डबल सोलह का यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रिपल फिर अगली बार फोर टाइम फिर अगली बार क्या आएगा फाइव टाइम फिर अगली बार क्या आएगा सिक्स टाइम तो मेरे भाई अड़तालीस का बस चार गुना करना है थर्टी टू वन टू इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया बिल्कुल सही इसका बताएं क्या होगा देखो अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो डिस्कस कर सकते हैं अपन लोग कोई पंगे वाली बात नहीं है ये टेलीग्राम का नाम है आप इसमें डिस्कस कर लो और क्या दिक्कत है मेरे भाई और तो कुछ हो नहीं सकता आप एक ही क्वेश्चन पे बैठ के तो डिस्कस कर नहीं सकते अपन लोग है ना तो अपना पढ़ते रहो बढ़िया से हो सकता है आपसे यो मैं गलत हूं उसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं यार सीखो बस चीजों को इसका बताओ इसका क्या आएगा मेरे भाई एट्टी आएगा फोर्टी सिक्स और एट्टी में लड़ाई जा रही है देखते हैं मेरे भाई देखो 36 आते ही एक छोटी सी बात मैंने बोली है 36 पे आप एक बात याद रख लो तीन का क्यूब और तीन का स्क्वायर ठीक है बस और कुछ नहीं करो 130 पे एक बात याद रख लो पाँच का क्यूब पाँच का स्क्वायर 120 पे एक बात याद रख लो पाँच का क्यूब माइनस पाँच बस इतनी सी बातें हैं तो मेरे भाई तीन छत्तीस आ गया तीन का क्यूब प्लस तीन का स्क्वायर होगा सत्ताईस और नौ कितना होगा छत्तीस चार का क्यूब प्लस चार का स्क्वायर है ना सीधा सा है चार का क्यूब चौसठ चार का स्क्वायर सोलह एट्टी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला देखते हैं इसका बताओ अब बताओ क्या होगा बिल्कुल बिल्कुल अब चलो लेकिन बाकी लोग अपना पढ़ाई का रिदम बनाए रखो यार पढ़ाई देखो एक मेरे भाई एक बात ध्यान रखना आप अपने अच्छे टाइम में जो करोगे उसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा तो आप अपनी अगर अच्छे टाइम में स्टडी पे फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आई पी एल वाई पी एल चल रहे हैं आई नो इन सबको छोड़ो और अपने पढ़ने पर ध्यान दो सिर्फ और सिर्फ वो सबसे बेस्ट पार्ट है इधर देखो एम की वैल्यू कितनी तेरह एस की उन्नीस के की ग्यारह तो तेरह होता है तो एक और तीन कितना हो गया चार चार का डबल हो गया आठ एक और नौ दस दस का डबल बीस एक और एक ग्यारह एक और एक दो दो का दूना चार फोर इज द राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब जा रहा है बहुत बढ़िया इसका बताओ मेरे भाई इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल यहां पे कितने होंगे बताएं ट्वेंटी आंसर आ रहा है देखते हैं ट्वेंटी 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 आंसर सबका जवाब आ रहा है देखते हैं मेरे भाई बीस बन रहा है गिनो पहले सूखे सूखे कितने हैं तीन 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 और तीन छ और तीन नौ और तीन बारह बारह ही हो गए ठीक है मेरे भाई बारह के बाद इसको एक डिब्बा ले लो नॉर्मली ये एक तरह से एक डिब्बा ही तो है इसको देखो ये एक तरह से एक डिब्बा ही है इसको डिब्बा ले लो तो चार दुनिया आठ तो बारह और आठ बीस ट्वेंटी इज द राइट आंसर बीस बन रहे हैं अगला देखते हैं इसका जवाब बताएं इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे यहाँ पब्लिक टॉक्स आप सौरभ जी मिश्रा जी हजेश यादव उदय जी अंकित राणा प्रभात जी अर्जू जी और रश्मि सोनी सब लोगों का जवाब आ रहा है बताएं क्या होगा अगला जवाब बटावट से इसमें कितने हैं देखो सूखे सूखे पहले गिनने शुरू करो चार का डबल आठ चार का डबल आठ ये एक हो गया आठ और आठ सोलह ये हो गया सत्रह और ये हो गया अठारह आठ और आठ सोलह और दो अठारह सीधा सीधा है जब भी बेस आता है तो बेस में ये आठ और आठ के अलावा ये दो हिडन और छुपे हुए होते हैं है ना तो अठारह ही हो गए अठारह और ये हो गया उन्नीस और उन्नीस के बाद नीचे बोल दो तीन तो उन्नीस और तीन कितने हो गए ये मेरे भाई बाईस दिख गए होंगे अब तक ये बताओ पहले बाईस सबको क्लियर हुए कोई डाउट किसी को मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब सबका आ रहा है बाईस आई होप सो इजीली दिख गए होंगे बाईस के बाद एक ये छुपा हुआ है दिखा इक्कीस और एक ये छुपा हुआ है दिखा बाईस सॉरी बाईस के बाद ये हो गया तेईस छुपा हुआ और ये हो गया चौबीस ट्वेंटी फोर इज द राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब बहुत बढ़िया अगला बताएं इसमें कितने आएंगे मेरे भाई बताएं अब इसमें कितने बनेंगे टी आर एस डी एम डब्ल्यू अड़तालीस सिक्सटी टू आगे क्या सोचो रखो प्लेस वैल्यू टी की प्लेस वैल्यू बीस डी की चार इसकी अठारह इसकी तेरह इसकी आठ इसकी तेईस प्लेस वैल्यू लगती ही समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल है ज्यादा समझ लेने की जरूरत नहीं है बीस और चार चौबीस चौबीस का डबल हो गया अड़तालीस अठारह और तेरह इकतीस इकतीस का दुगना हो गया सिक्सटी टू आठ और तेईस कितना होता है अगेन इकतीस इकतीस का डबल कर दो सिक्सटी टू फिर से जवाब सही हो जाएगा सिक्सटी टू इज द राइट आंसर क्लियर है चलो इसका बताओ मेरे भाई इसका क्या होगा यहाँ पे गुड़िया शर्मा जी का भी जवाब सही है उदय जी का भी जवाब सही है आर्जू प्रवीण जी बबू जी सौरभ साहब निधि जी संजीव साहब अनिकेत जी अनु जी जे साहब सब लोगों का जवाब सही है मेरे भाई बहुत बढ़िया अगला बताएं थर्टी थ्री फोर्टी फोर ट्वेंटी फोर फोर्टी फोर सिक्सटी सिक्स फोर्टी एट फिफ्टी फाइव सेवेंटी सेवन आगे क्या इन नंबरों को थोड़ा सा ध्यान रखो ये किससे डिवाइड हो रहे हैं आधा खेल तो यहीं पे हो जाएगा अगले क्वेश्चन का जवाब क्या है मेरे भाई बताएं है। यहाँ है मनीष मिश्रा निंजा साहब नीलेष जी सब लोग का जवाब आना शुरू हुआ है सेवनटी आ रहा है देखते हैं सही होगा कि नहीं होगा सेवेंटी और फिफ्टी एट सेवनटी ज़्यादा कर रहे हो देखते हैं मेरे भाई डिवाइड करो ग्यारह से चार बचेगा और इन दोनों को जोड़ दूँ तो छः हो जाएगा तीन और तीन कितना छः छः का चार से गुना चौबीस डिवाइड करूँ तो कितना आएगा छः यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो आठ आठ का छः गुना अड़तालीस डिवाइड करूँ तो ग्यारह मतलब सेवन इन दोनों को जोड़ दूँ तो दस दस का साथ गुना मतलब सत्तर सेवनटी इज द राइट आंसर नॉर्मल अप्रोच है सीधे सीधे वो नंबर किसी ना किसी से डिवाइड होता देखे तभी समझ जाओ यहाँ पे गुड़िया जी अंकित सारा जी जीशा जी राहुल जी पब्लिक टॉक साहब दीपाली जी विनीत जी सब लोगों का जवाब सही आ रहा है मेरे भाई आगे अपना बताओ क्वेश्चन देखो अपने दिमाग में इतना रखो आप बीस सेकेंड में बना पा रहे हो कि नहीं सिर्फ थोड़ी सी स्पीड के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और कोई बात नहीं है सोचते जाओ इसका क्या होगा अब देखो मेरे भाई छत्तीस से पैंतालीस है यानी कि नौ ऐड कर दो तो पैंतालीस बन जाएगा है ना ठीक है पच्चीस से उनतीस है चार ऐड कर दूं तो उनतीस बन जाएगा कुछ दिख रहा है सर नौ कैसे ऐड हुआ फर्स्ट नंबर का स्क्वायर बोल सकता हूँ नौ चार ऐड हो रहा है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता प्रैक्टिकल सोचो यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ बत्तीस में फर्स्ट नंबर का स्क्वायर जोड़ दो तीन का स्क्वायर कितना होता है नौ तो बत्तीस और नौ फोर्टी वन इज द राइट आंसर क्लियर है हाँ है ना फोर्टी वन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तेरह नहीं होगा पब्लिक टॉप सब फोर्टी वन होगा सही है नंबर में फर्स्ट नंबर का स्क्वायर जोड़ दिया है बस इतना सही है चलो अगला बताओ देखो भाई एक बात बोलता हूँ बहुत ध्यान से समझना सब लोग आप सभी लोग अभी जो भी क्लास में हो ना वो इक्वल हो को अगर कोई फर्स्ट आंसर करता भी है तो उसका ये मतलब नहीं है जो सेकंड आंसर कर रहा है वो जिंदगी में कभी फर्स्ट नहीं आ सकता इस बात को अपने ध्यान में रखो नॉलेज का पास में होना बहुत जरूरी है ये जरूरत है लेकिन कोई भी पीछे खड़ा बंदा मेहनत करके आगे बढ़ सकता है इसको सभी लोग ध्यान रखना तो बस खुद पे फोकस करो और अपनी स्टडी अच्छी करो क्योंकि मेरे भाई अगर सबके सब इतने काबिल होते ना तो अब तक सरकारी नौकरी लग चुकी होती ये फैक्ट है अच्छा बुरा कुछ नहीं इसलिए बस बैठ के सब पढ़ाई करें तो वो बेहतर होगा तो मेरे भाई टोटल हंड्रेड बैठ रहा है सीधा लॉजिक 991 जोडूं वन टोटल हंड्रेड बैठ रहा है फोर्टीन और सिक्सटीन फोर्टीन में क्या जोड़ूं अब? 86 जोड़ूंगा एट्टी सिक्स जोड़ूंगा हंड्रेड हो जाएगा बात खत्म एट्टी सिक्स द राइट आंसर अगला बताएं इसका क्या होगा हाँ अर्जु जी दो लॉजिक बन रहे हैं मेरे भाई बिल्कुल सही बात है हा जैसा उसका तेरा भी हो सकता है वो भी एक लॉजिक है बिल्कुल लेकिन वो लॉजिक देखते ही दिख रहा था आप ये कर रहे हो 36 के दोनों सेपरेट नंबरों को जोड़ के बता दो वो भी एक लॉजिक है अपन लोग क्लास कर रहे हैं ताकि दो बातें और नई सीखते चलें ठीक है ना आप लोगों का लॉजिक भी सही है कि छह का स्क्वायर सर तीन का स्क्वायर ये बन गया सर 36 वो भी एक लॉजिक है तो ये भी बन सकता है सर तीन का स्क्वायर दो का स्क्वायर नौ और चार बिल्कुल बन सकता है मेरे भाई बिल्कुल बन सकता है लेकिन आप लोग कुछ नया नया सीखते जाओ पांच और एक जवाब आ रहा है मेरे भाई एग्जाम ने ये पूछा है दो के अपोजिट में क्या आएगा तो दो के अपोजिट में क्या आएगा देख लेते हैं तो यहां पर तीन नंबर कॉमन है तीन से क्लॉक चलेंगे तो तीन के अपोजिट में यहां पर अगर मैं ले लू चलो पूरा बना के दिखा दे रहा हूं थ्री फोर फाइव थ्री वन टू तो मेरे भाई दो के अपोजिट में क्या आएगा पांच आएगा नॉर्मल देखो एक नंबर कॉमन है तो क्लॉक ले लो तीन चार पांच तीन एक दो तो दो के अपोजिट में क्या आएगा पांच आएगा अगला देखते हैं इसका बताएं। इसका क्या होगा इसका जवाब क्या होगा बताओ देखो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन करवाता हूं वो किसी ना किसी परपस से करवाता हूं अब इस क्वेश्चन में सेम दिमाग लगाओ अब देखो मेरे भाई 16 से 52 हुआ 52 से 16 बन गया ठीक है अब यहाँ पे अगर आप सोचो तो जवाब आपको फटाफट मिल सकता है जो अभी अभी मैंने सिखाया था सेम लॉजिक पे जाओ देखो यहाँ पे क्या है सोलह है पीछे वाई नंबर का स्क्वायर ले लो छः का स्क्वायर कितना होगा छत्तीस कितना हो गया फिफ्टी अब आप लोगों ने ऐसा एक देख लिया तो दिमाग पर चल सकता है बस इतनी सी बात है कि पेपर में लॉजिक देख लोगे तो परेशानी नहीं होगी बाकी बेसिक जो लॉजिक आता है वैसा सोच सकते ही हो कोई परेशानी है ही नहीं सत्रह है सत्रह में अगर ये पीछे सात का स्क्वायर कितना होता है फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन और सेवनटीन कितना हो गया सिक्सटी सिक्स हो गया आपकी बार पीछे वाले नंबर का स्क्वायर है बस है ना तो नॉर्मल है नाइनटीन में अगर मैं ले लू तो नाइन का स्क्वायर नाइनटीन नाइन का स्क्वायर एट्टी वन हंड्रेड बन गया तो ये ऐसा किस में होगा ग्यारह में एक का स्क्वायर एक होता है ये बन जाएगा बात खत्म ग्यारह वाले बन रहा है सीधे सीधे पहला वाले तो हर क्वेश्चन एक ना एक पॉइंट आपको देने के लिए है मेरे भाई क्योंकि हर क्लास में डेली कोशिश है कि कुछ नया लॉजिक मिले वरना सोचो कहां से नए लॉजिक आएंगे पेपर में अब बोलते हो ना बहुत सारे बच्चों ने ये भी बोला सीएचएसएल में कुछ लॉजिक अलग भी रहे तो मेरे भाई बस पुराने लॉजिक तो आते ही है नए लॉजिक भी सीखते चलो फटाफट से बस आंसर करो बारह से पैंतीस बना सोलह से क्या बनेगा सबको समझ में आ रहा है सर नॉर्मली सोच के हम कर सकते हैं जल्दी से बारह का आधा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा छ छः का स्क्वायर माइनस एक छत्तीस में से एक गए तो पैंतीस सोलह का आधा कर दीजिए आठ आठ का स्क्वायर चौंसठ एक गए तो सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री इज द राइट आंसर सीधा साधा क्वेश्चन है बेसिक बनने ला है. कमेंट रुक गया है नहीं मेरे भाई कमेंट नहीं रुक गया कोई बफर नहीं कर रहा सही है अगला बताएं पांच को सौ बोला गया है सात को क्या बोला जाएगा फाइव मीन्स सेवन फाइव मीन्स हंड्रेड सेवन मीन्स बताओ पाँच का हंड्रेड है पाँच का स्क्वायर पच्चीस पच्चीस का चार गुना ठीक है बन जाएगा सर है ना पाँच का स्क्वायर पच्चीस पच्चीस का चार गुना सौ बन जाएगा सात का स्क्वायर उनचास उनचास का चार गुना वन नाइन्टी सिक्स इज द राइट आंसर अगला देखते हैं ठीक है चलो इसमें बताएं कितने ट्राइंगल्स होंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल देखो एक बात आप लोगों की लाइफ सबकी अपनी अपनी खुद की है अपनी अपनी लाइफ को मेहनत करो और लाइफ में फटाफट से सक्सेस हासिल करो बस यही मंत्र है और कुछ नहीं ना किसी का कंपेयर ना किसी का कुछ बढ़िया बस अपनी मेहनत करो सब लोग सफल हो बस मेहनत जरूर करनी है बताएं मेरे भाई क्या बनेगा नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें तीन हो जाएंगे ठीक है इसमें भी कितने हो जाएंगे तीन हो जाएंगे इसमें भी तीन हो जाएंगे और इसमें भी कितने हो जाएंगे तीन हो जाएंगे तीन और तीन और तीन नौ और तीन, तीन बारह तो यही हो गए बारह के बाद ये तेरह हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा चौदह हो जाएगा चौदह हो रहे हैं चौदह से ज़्यादा तो दिख नहीं रहा है फोर्टीन ही है बस और दो कोई है नहीं फोर्टीन है मेरे भाई बारह नहीं होंगे चौदह होंगे सही है अंकित साहब बोल रहे हैं सोलह होंगे सोलह नहीं हो सकते अंकित साहब कहीं से नहीं हो सकते बना ही नहीं सकते कहाँ से बना लोगे चलो इसका बताओ है ना चलो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आंसर होती ही होती है चौदह बिल्कुल सही जवाब है इसका बताएं मेरे भाई इसका क्या बनेगा अब ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है बढ़िया से इसमें दिमाग लगाओ क्या बनेगा ये बताओ जल्दी सोचो और बताओ ग्यारह बारह का बारह ही बन गया बताओ कैसे बनाओगे अच्छा खासा क्वेश्चन है सोचो मेरे भाई पटावट से बड़ा खतरनाक लॉजिक है इसका इसको कहीं मैं नोट कर लेना बढ़िया से ठीक है ना इधर देखो बारह का डबल करो कितना होता है चौबीस इन दोनों का आपस में फिर से इंटू कर दो कितना हुआ आठ ग्यारह का डबल करो अब बारह के बाद किसका ग्यारह का कितना होगा बाईस इन दोनों के नंबरों का इंटू कर दो कितना चार टोटल कितना हुआ बारह बात समझ में आई कि नहीं आई गुड इवनिंग मेरे भाई नोबिदा साहब अगला समझो फिर से इधर देखो तेरह का दुगना करो कितना होता है थर्टी सिक्स इन दोनों नंबरों का आपस में गुणा कर दो अठारह सोलह का दुगना करो कितना होता है बत्तीस इन दो नंबरों का आपस में गुणा कर दो छः अठारह और सॉरी यहाँ पे कहीं मुझसे गलती हो गई तेरह का है, दोगुना है ना ठीक है तेरह धुनी छब्बीस होगा सॉरी छब्बीस छः धुनी बारह बारह और छः अठारह क्लियर है अगला देखते हैं बत्तीस का डबल करो सिक्सटी फोर आपस में इंटू ट्वेंटी फोर चौदह का डबल करो अट्ठाईस ठीक है ना दो का आठ से गुणा सोलह टोटल कितना होगा चालीस फोर्टी आ रहा है मेरे भाई बड़ा जबरदस्त और खतरनाक वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहीं पर नोट कर लेना बहुत प्यारा क्वेश्चन है और कोशिश हमेशा यही है कि कुछ नया आप लोगों को देता रहे ठीक है ना कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है तो माइंड सेट ओपन रहता है बढ़िया से सीखते हो तो जिंदगी भर आदमी रहता ही है सही बात है ये बताएं तो आसान है फटाफट से देखते ही कर लो देखते ही कर लो स्किप भी कर सकते थे हाँ भैया अंकित साहब सही बात है कोई गलत नहीं है यहाँ पे देखो ये तो सीधे सीधे प्लेस वैल्यू है प्लेस वैल्यू देखो यानी कि दो से शुरुआत हो रही होगी दो सब में आ रहा है आखिर में सात आ रहा होगा ये वाला ऑप्शन गया ई पांच नंबर पे आ रहा होगा ये भी गया ये भी गया यानी कि सी वाला जवाब बिल्कुल सही है पूरी प्लेस वैल्यू मत निकालो जब दो तीन निकाले काम चल रहा है तो है ना जब दो तीन निकाले काम चल रहा है तो पूरी निकालने की जरूरत क्या है इसका जवाब बताएं मेरे भाई इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितने होंगे अब बताएं बढ़िया से अगर आप लोगों को तब भी कोई डाउट आया करें ना कि हो सकता है किसी क्वेश्चन में बात रह गई हो आप सही हो मैं गलत हूँ है ना या मान लीजिए कोई बात नहीं समझा पाया हूँ तो आप लोग इस टेलीग्राम में पूछ लो बढ़िया से जुड़े रहेंगे आपस में डिस्कस कर लेंगे कोई पंगा तो है नहीं अब इसमें बताओ कितने होंगे अब इधर देखो एक दो तीन चार चार का डबल दस वो सॉरी चार मतलब तो टोटल करते हैं ना एडिशन करते हैं नॉर्मली एक दो तीन चार दस और यहाँ पे कितने होंगे छः दस और छः सोलह यहाँ पे देखते हैं डिब्बे में कितने होंगे आठ धुनी सोलह बत्तीस तो यही हो गए थर्टी टू के बाद देखते हैं थर्टी टू के बाद कहाँ पे छुपे हुए हैं एक नॉर्मल बात होता है जब भी बॉक्स के साथ ट्राइंगल बनता है तो ऊपर वाला जरूर बनता है ये थर्टी थ्री एक ये बनेगा थर्टी फोर एक ये इधर की तरफ बनेगा थर्टी फाइव और एक इधर की तरफ बनेगा थर्टी सिक्स छत्तीस बन रहे हैं ना इससे एक ज़्यादा ना इससे एक कम पूरी क्लास का जवाब बहुत बढ़िया आ रहा है मेरे भाई, बहुत अगला बताएं इसमें से एग्जामिनर ने ये पूछा है, कौन सा नहीं बन सकता बताएं, कौन सा नहीं बन सकता ऑब्जर्व करके बताएं। अंकित भाई थर्टी एट नहीं थर्टी सिक्स आएगा ठीक है ना इसका बताएं, इसका क्या होगा चलो अब इसमें देखो कौन सा नहीं बन सकता वो हमें वो बताना है अब देखो डायरेक्ट साफ साफ ऑब्जर्व हो रहा है एक ही चीज़ लास्ट में ई देख रही मुझे साफ साफ दिख गया पहली नज़र में लास्ट वाला वर्ड साफ साफ दिख रहा है ई तो है ही नहीं तो ऑरेंज नहीं बन सकता कितना सिंपल है यार अगला बताओ पढ़ के करना एज वाले क्वेश्चन तो सीएचएसएल के एग्जाम में भी आए थे एज वाले पेपर में सीएचएसएल के एग्जाम में भी आए थे ये पहले दिन की शिफ्ट में इसका बताओ मेरे भाई क्या होगा तुम्हारी एज तुम्हारी मदर की एज से दस साल कम है मतलब अगर मदर की एज का आधा कर दूं उसमें से दस साल घटा दूं तो उसकी एज आ जाती है कहने का मतलब ये है तुम्हारी एज दस साल कम है अपनी मम्मी की एज से तो तुम्हारी मम्मी की एज में से अगर मैं आधा कर दूं आधी करके उसमें दस घटाऊं तुम्हारी एज आ जाती है तुम्हारी मम्मी पाँच साल छोटी हैं तुम्हारे पापा से और पापा जो है वो पैंतालीस के हैं पापा पैंतालीस के हैं तो मम्मी चालीस की होंगी आया ना पाँच साल छोटी हैं बच्चे की एज निकल सकती है चालीस का आधा माइनस दस निकल आएगी चालीस का आधा बीस बीस में से दस गए तो दस दस बीस राइट आंसर टेन बिल्कुल सही जवाब होगा कदम बात अगला बताएं, हॉकी क्रिकेट पोलो किससे रिलेटेड है फुटबॉल से रिलेटेड है पेन से रिलेटेड है दिलीप ऑफिस से रिलेटेड है या गेम से रिलेटेड है इसमें से इनकी जैसा सिमिलियर क्या होगा तो मेरे भाई फुटबॉल सिमिलियर होगा ये सभी गेमों के नाम है ये गेम तो खुद होते नहीं है ये सब गेमों के नाम है ना तो गेम फुटबॉल बिल्कुल सही जवाब है इनके जैसा फुटबॉल ही होगा इसका बताएं 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा दो हजार बीस का कैलेंडर किस साल रिपीट करेगा एक ईयर हमेशा रिपीट करता है कब अट्ठाईस साल के बाद लीप ईयर के एक साल बाद वाला रिपीट करता है छह साल बाद लीप ईयर के दो साल बाद वाला रिपीट करता है आप लोगों का ग्यारह साल बाद और लीप ईयर के तीन साल बाद वाला रिपीट करता है ग्यारह साल बाद ये बेसिक नियम है मैं इसको अपने दिमाग में रख लो और कुछ मत करो बस तो इसका सही जवाब क्या होगा लीप ईयर है अट्ठाइस जोड़ दो इज द राइट आंसर अगला बताएं इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे टू थाउजेंड फोर्टीन नहीं होगा मेरे भाई अट्ठाइस जोड़ना है ना फोर्टी एट होगा फोर्टी वालों का जवाब गलत हो गया, ठीक है ना इसका बताओ मेरे भाई इसका क्या होगा इसमें कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं बताए देखो पैर डिब्बे को गिन लो एक दो तीन चार पांच छः छः धुनी बारह एक दो तीन चार पांच छः छः धुनी बारह बारह और बारह चौबीस चौबीस के बाद एक तो ये बनेगा पच्चीस एक ये बनेगा छब्बीस तो ये हो जाएगा आप चौबीस ये पच्चीस और ये छब्बीस छब्बीस के बाद देखते हैं तो इसमें तीन हो जाएंगे और इसमें कितने हो जाएंगे तीन हो जाएंगे तीन और तीन छः तो छब्बीस और छः आपके थर्टी टू तो यही हो गए ठीक है ना थर्टी टू के बाद अब देखते हैं और कहाँ कहाँ पे अपने छुपे हुए हैं थोड़ा देख लेते हैं एक तो सर ये छोटा वाला भी बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक का ये छोटा हाँ हमने कहा ये भी बन जाएगा क्योंकि बड़ा वाले के अलावा ये छोटा भी बनेगा तो ये हो जाएगा थर्टी थ्री एक ये वाला छोटा भी बन जाएगा थर्टी फोर एक यहाँ से यहाँ तक का बन जाएगा थर्टी फाइव एक ये वाला बन जाएगा थर्टी सिक्स सेम यहाँ से यहाँ तक का थर्टी सेवन ये वाला थर्टी एट अड़तीस बन रहे हैं मेरे भाई अड़तीस से ना एक ज़्यादा ना एक कम क्लियर है अड़तीस दिख गए छत्तीस नहीं होंगे पब्लिक टॉक साहब ये वाला और आएगा ना ये वाला ये छोटा वाला बड़े वाले के अलावा चलिए इसका बताएं मेरे भाई इसका जो आप क्या होगा फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर आनी चाहिए देखो जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो ठीक है जो नहीं आपको दिक्कत दे दें उसको छोड़ो यार अपने ही वीडियो है, बाद में पढ़ा देगा आप लोग बस टाइमर के साथ ना सोचो बन रहा है कि नहीं बन रहा ठीक है ना बताए छताइस अब ये स्क्वायर अगर मैं सोचूं भी कि सर ये क्यूब में चला जाएगा तो ये तो क्यूब होता नहीं है सिक्सटी फाइव तो अब मेरे भाई कुछ और सोचना पड़ेगा तो एक पैटर्न बड़ा पुराना है एडिशन कर दो और डिफरेंस कर दो तो एडिशन और डिफरेंस का लॉजिक पूरी क्लास को शायद आता होगा और लग भी रहा है यार मेरे भाई अपने दिमाग में फॉरन लॉजिक सोचो एडिशन एक बार कर दिया एक बार डिफर कर दिया ग्यारह और सात का अंतर निकाल दो एक बार चार और सॉरी ऐड कर दो पहले इधर प्लस ये तो लो प्लस ही कर लो ये लो अठारह और मेरे भाई डिफरेंस निकाल लो चार 72 टू इज द राइट आंसर बदतर है अगला देखते हैं इसका बताएं मेरे भाई इसका जवाब यहाँ पे क्या आएगा अब जल्दी जल्दी आंसर बताओ देखो बड़ी वैल्यू है बड़ी वैल्यू का मतलब एक चीज स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई इन तीनों में कोई एक सोचो बात खत्म स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई होगा इनमें से कोई एक ना बताओ क्या होगा स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई सोचो सबसे पहले ऐड मारो आठ नौ तीन सात कितना है सात और तीन दस और आठ अठारह और सत्ताईस सत्ताईस का स्क्वायर सात और उसमें सत्ताईस घटा दो सात हो जाएगा वैल्यू जितनी दिमाग में याद होंगी उतनी सीधी सीधी दिख जाएंगी बात खत्म ठीक है ना यहां पे ऐड करो 6 और छ्यारह ग्यारह और आठ उन्नीस और पांच चौबीस पांचों पांच दस और अठारह और छह चौबीस चौबीस का स्क्वायर फाइव सेवेंटी सिक्स चौबीस माइनस कर दो उसमें से आखिर में टू आ रहा होगा फाइव फाइव टू इज द राइट आंसर ठीक है चलो अगला बताओ मेरे भाई नौ को चौबीस बोला गया किसको छह बोला जाएगा जल्दी से बताएं। बिल्कुल राहुल चौधरी जी से आप सही जवाब है आपका नौ से चौबीस बनाओ कैसे सोचोगे सर नौ का तीन गुना सत्ताईस सत्ताईस में से तीन घटा दो तो मेरे भाई बन जाएगा सर बन जाएगा ठीक है तो अगली बार यहाँ पे छः बन रहा है तो तीन घटा के बनाओगा तो किसके तीन गुने में से ये घटा दूं कि बन जाए सर तीन के तीन गुने में से घटा दो नौ में से तीन जाएगा तो छह बन जाएगा तो थ्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला देखते हैं इसका बताएं इसका क्या बनेगा तेरह बीस सत्ताईस बताओ मेरे भाई सोचो सर सात सात का ऐड है कि नहीं है बताओ कहाँ पे हो रहा है तीस और ग्यारह तो सात का ऐड नहीं है अठारह और पच्चीस सात है पच्चीस से बत्तीस सात है अठारह और सात पच्चीस और बत्तीस सब में प्लस सेवन हो रहा है अगला देखते हैं सही है क्लियर चलो इसका बताओ बिल्कुल बिल्कुल बी वाला सही जवाब जा रहा है इसका मेरे भाई क्या होगा अब ये वाला क्वेश्चन एक काम ही करते हैं होमवर्क में रख लेते हैं सही है ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ होमवर्क रहेगा ये मेरे टेलीग्राम का नाम है कुलदीप महिंद्रा रीजनिंग ये मेरे टेलीग्राम का नाम है आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो ना तो यहाँ पे पूछ लो मेरे भाई चैट बॉक्स में हल्ला मत करो सबके सब ठीक है और दूसरी बात भाई मेरे मेहनत करो सबके सब अगर लायक हो तो सिद्ध करना होगा सरकारी नौकरी पानी होगी बात ख़त्म और कोई कहानी नहीं है डेली क्लास चलती है मेरे भाई साढ़े आठ बजे तो उसमें जुड़ना मत भूलिए और दूसरी बात इस संडे को इस संडे को मेरे भाई रविवार को यानी कि अठारह अप्रैल को सुबह साढ़े छः बजे स्पेशल सेशन लेके ले आऊँगा जिसमें आप लोगों को करंट कराने के साथ में कुछ स्टैटिक्स की जबरदस्त बताऊँगा ठीक है ना डे दे और डेम्स की बढ़िया से ज्वाइन हो जाना संडे को याद रखना बस और एक छोटी सी बात सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना देखो यार खूब सारे क्वेश्चन रखता हूँ केवल आप लोगों के लिए जितना हो सकता है उतने ज़्यादा क्वेश्चन ठीक है ना और कोशिश यही करता हूँ डेली कुछ नया कॉन्सेप्ट दे दूँ ताकि आप वैसा कुछ सोच पाओ ठीक है तो बढ़िया से सब पढ़ाई करो बड़ा ज़रूरी है यार बिना उसके कुछ नहीं है जीवन में सही है चलो मेरे भाई टेक केयर बाय सब लोग अपना ध्यान रखना कल साढ़े आठ बजे मिलते हैं बढ़िया से शाम ठीक है चलो बेटा बाय टेक केयर बच्चा सभी लोगों को बाय और शेयर्स को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा टेक केयर